बिहार शिक्षक बहाली से दो सबसे बड़ी अपडेट आई है। एक तो बीपीएससी तैयारी को लेकर एक और उत्तर कुंजी जारी हुई है, वहीं पर बीपीएससी चेयरमैन का बेतुगा बयान भी देखने को मिला है। तो जानने के लिए कि क्या बयान है, कौन सी उत्तर कुंजी है, वीडियो में अंत तक बने रहिए। पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिए। देखिए, आज सुबह का ये ट्वीट है 9 बजे का, 17 तारीख का। अतुल प्रसाद जी हैं यहाँ पर बीपीएससी के चेयरमैन, उन्होंने ये ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि अभ्यर्थियों को अपना रोल नंबर लिखने और गोले को काला करने के लिए क्यों कहा जाता है। जाहिर है, ताकि स्कैन करने पर उनके रोल नंबर में कोई गलती पाए जाने पर क्रॉस वेरिफिकेशन किया जा सके। इसे ओएमआर के साथ सुधार या छेड़छाड़ कहना बेतुका है। ये देखिए, यहाँ पर बयान दिया गया है ओएमआर को लेकर, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों के माध्यम से ये सवाल उठाया जा रहा था ओएमआर को लेकर, तो उसी का यहाँ पर जवाब देखने को मिला है। और इस बयान के साथ बीपीएससी चेयरमैन बीपीएससी तैयारी को लेकर 16 तारीख को एक यहाँ पर सेकंड प्रोविजनल आंसर की अपलोड कर दी गई है। आप देखिए, यहाँ पर एक आपकी क्लास 9 to 10 की अपलोड की गई है, सभी भाषाओं की, देखिए सभी सब्जेक्ट की, और 11 to 12 सभी सब्जेक्ट की यहाँ पर देखिए आंसर की अपलोड की गई है। तो अगर आप इसे मिलान करना चाहते हैं तो जिस भी विषय का हो आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये आंसर की सेट 1 है या सीट पेपर 2 है, सेट ए है, बी है, ई है, जो भी है आप चाहें यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो ऑफिशियल वेबसाइट ये है, आप जाकर इसे चेक कर लीजिए कि इसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं। जानकारी के अनुसार ऐसा है कि कुछ नंबर यहाँ पर चेंज किए हैं, कुछ प्रश्नों के उत्तर चेंज किए गए हैं, 1 से 2 नंबर आपके बढ़ सकते हैं, ऐसी जानकारी है। ठीक है, तो आप इसे जाकर एक बार ज़रूर रीचेक कर लीजिएगा।